साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष जी चुनाव नतीजों की कुछ हाईलाइट बता रहे थे। मैं स्वयं आज काफी व्यस्त था, उसके कारण चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है कि कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी ने जो विस्तार से बताया, मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा कि आज दिन भर क्या क्या हुआ है। लेकिन जो अध्यक्ष जी ने बताया, ये अपने आप में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी 20वीं सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा। 21वीं सदी है, ये नया भारत है, ये चुनाव का विजय। कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है। 21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। ये विजय आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई उस मां का विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था, जिसका आज उपचार हो पाया, उसके आशीर्वाद की विजय है। ये विजय देश के उन किसानों की है कि जो पसीना बहा करके राष्ट्र के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परेशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है, ये उसकी विजय है। ये उन 40 करोड़ असंगठित मजदूरों की विजय है जिनको पहली बार लेप के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे, लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार जिस पर लेप का लेबल तो नहीं है, लेकिन 40 करोड़ लोगों के लिए, असंगठित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागू करके उनको सम्मान जीवन देने का काम किया है, ये उनका विजय है। उन बेघर जिंदगी गुजारते गुजारते आज पक्के घर में रहने गए हैं, उनका विजय है। और जिनका 2022 तक पक्का घर बनना तय है, उनका विजय है। भाइयों बहनों, ये विजय उन मध्यम वर्ग के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पालन करता रहा, जो देश की भलाई के लिए टैक्स देता रहा, लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और न ही कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुच में देश के काम आता है क्या। 5 साल में उसने अनुभव किया कि जो दे रहा है वो सही जगह पे जा रहा है, सही काम आ रहा है। उस मध्यम वर्ग के मन को जो संतोष हुआ है, वो संतोष इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है। ईमानदारी को जो ताकत मिली है, उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्वीकृति दी है। और इस प्रकार से जो बदलाव आया है, उस बदलाव ने ये परिवर्तन लाया है।